स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक नीरज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रिमोट कैसे रिपेयर करना है, मात्र 2 रुपए में रिमोट को रिपेयर करना सीखे। तो फ्रेंड सबसे पहले मेरे पास ये रिमोट है, इस रिमोट को हम रिपेयर करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये रिमोट टेस्टर है, मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल भी चालू नहीं है ये रिमोट। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और अब इस रिमोट को हम करेंगे ओपन। तो सो फ्रेंड्स, आप देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम रिमोट को रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ये इसकी प्लेट है, आप इस प्लेट को देखिए, ये कॉपर की प्लेट होती है। फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो प्लेट है ना, इसका फॉल्ट मैन क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आप इसका ये बल्ब देख रहे हैं ना, बल्ब, ये बल्ब के पास से यहाँ से एक पॉइंट जो है यहाँ से उखड़ा हुआ है। आप देखिए, ये देखिए, ये पॉइंट उखड़ा हुआ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, है ना, ये देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से उखड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी कॉपर की पत्ती यहाँ से टूट गई है। तो फ्रेंड्स इसको रिपेयर करने का सिंपल सा तरीका है, आप गौर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें हल्का सा एक पेचकस से या कोई भी नुकीली चीज़ से आपको यहाँ से हल्का सा स्क्रैच करना है। तो हमने स्क्रैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पर हल्का सा फ्रेंड्स पेस्ट को लगा देना है। ये पेस्ट लगा दिए और आपको एक ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक आयरन की। फ्रेंड्स ये मेरे पास बहुत ही पुरानी इलेक्ट्रिक आयरन है, आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं ना फ्रेंड्स। आप देखिए, और फ्रेंड्स हल्का सा आपको हीट करना है और इसका ये आवरण जो पहले था ना, ये पत्ती टूटी, इसको निकाल देना। फ्रेंड्स हमने पत्ती को निकाल दिया है। और फ्रेंड्स हमें ये सोल्डर वायर है, इस सोल्डर वायर को हल्का सा लेना है और सोल्डर वायर को यहाँ पर रखना है फ्रेंड्स हमें। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें सोल्डरिंग कर देनी है। फ्रेंड्स हमने इसमें सोल्ड कर लिया है, देखिए आप, हमने इसमें सोल्डरिंग कर ली है ये वाले पॉइंट में। ये वाला पॉइंट उखड़ा हुआ था, यहाँ की कॉपर की पॉइंट जो उखड़ गई थी, हमने इसमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसमें हमने सोल्डरिंग कर लिया है। और फ्रेंड्स हम इसको अब फिट करके आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, अब इसमें मैं सेल लगाता हूँ। सेल लगा लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रिमोट को हमने रिपेयर कर लिया है। फ्रेंड्स मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रिमोट टेस्टर के माध्यम से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये रिमोट बिल्कुल ही चालू हो गया है, आप देखिए इसकी सारी बटन चालू है। तो फ्रेंड्स ये वाली प्रॉब्लम क्यों आती है मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ क्या होता है। फ्रेंड्स कभी कभी आपका रिमोट नीचे गिर जाता है, इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है, जिससे कि बल्ब के जो पॉइंट होते हैं वो खड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।